तो फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर, चाहे वो टॉप लोडेड हो चाहे वो फ्रंट लोडेड हो, उसके अंदर अगर एसवी वॉल, जिसे हम इनलेट वॉल भी बोलते हैं पानी का, वो अगर ख़राब हो जाता है तो उसे आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो ख़राब है या सही है या पीसीबी बोर्ड में ही दिक्कत है। हो सकता है इसके बारे में काफ़ी सारे दोस्तों को पता हो और हो सकता है इसके बारे में पता नहीं हो, तो जिन्हें पता नहीं हो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और लास्ट में कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है, और इसे बिना स्किप करे देखिए ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए और आप कहीं काम पर फंसो ना। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी रैक में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। TNT हिंदी टैक। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं हमारी इस वॉशिंग मशीन पे। ये हमारी टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है। इसमें आपके केस में फ्रंट लोडेड भी हो सकती है और कोई भी कंपनी की वॉशिंग मशीन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास में LG है तो आपके पास में भी LG होनी चाहिए। कोई भी कंपनी की वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो टॉप लोडेड हो फ्रंट लोडेड हो, उसमें इनलेट वॉल यानी कि SV वॉल को चेक करने का सिंपल और सरल तरीका है और एक जैसा ही तरीका है। तो देखिए हमारे केस में हम इसे हटाते हैं यहाँ से। हमारे केस में ये हमारे पास में एक SV वॉल लगा हुआ है, तो आपके केस में हो सकता है कि दो SV वॉल लगे हुए होंगे, जिसमें एक होता है ठंडे पानी के लिए है और एक होता है गर्म पानी के लिए। तो इस तरह से दो SV वॉल लगे हुए होते हैं और आजकल के कई वॉशिंग मशीन में सिर्फ दो ही SV वॉल लगे हुए आते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का सारा ऑप्शन यहाँ पे कंट्रोल पैनल के ऊपर दिया हुआ होता है। अगर यहाँ पे आप ठंडे का ऑप्शन चुनेंगे तो सिर्फ ठंडा पानी आएगा, अगर आप गर्म पानी का ऑप्शन चुनेंगे तो गर्म पानी आएगा, अगर आप दोनों का एक साथ चुनेंगे तो ठंडा और गर्म मिक्स होकर के आएगा। लेकिन गर्म पानी का जो ऑप्शन होता है वो आपके घर में गीज़र लगा हुआ होता है, उसी से ही गर्म पानी इसमें आता है। तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी में ही पानी जा करके गर्म हो। ये ऑप्शन भी कई वॉशिंग मशीन में दे रखा है कि पानी इसमें जाने के बाद भी गर्म होता है, हीटिंग रॉड लगी भी होती है कई वॉशिंग मशीनों के अंदर। तो वो चीज़ें हम आगे आने वाले कई वीडियो में देखेंगे कि अगर उस तरह का कोई वॉशिंग मशीन आता है तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अभी हमारे पास में यहाँ पे सिंगल SV वॉल है, जिसे हम इनलेट वॉल भी बोलते हैं। इसके अंदर इसे चेक करने का तीन आसान तरीके हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आप इस तरह से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो अगर आपके पास में मल्टीमीटर है तो। दूसरा आसान तरीका और जो मुझे बिल्कुल सिंपल लगता है वो है ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर, जो कि आप लोगों के पास में हो सकता है, अगर नहीं है तो आप Amazon से खरीद सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है। तो देखिए ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है, लाइट से आप देखते हो, मेरे हर वीडियो में देखते हो इस टेस्टर को। और तीसरा और आसान तरीका है, इसे इनडायरेक्ट AC वोल्टेज सप्लाई दे करके चेक कर सकते हो। तो तीनों ही तरीके मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला तरीका देख लेते हैं कि आपके पास में ये मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर को आपको सेलेक्ट कर लेना है ये कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। कोई भी मल्टीमीटर हो उसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी के ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना, जिसमें बीप साउंड आता है। तो अब मैंने इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में हम यहाँ पे इस SV वॉल को चेक करेंगे। आप चाहो तो एक वायर निकाल लीजिए, क्योंकि वायर निकाल के चेक करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कई बार जो है ये ओम्स जो है इसके PCB बोर्ड के अंदर लगे हुए कंपोनेंट के भी दिखाता है। तो उस केस में अगर आप वायर निकाल के चेक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हमने एक वायर निकाल दी, अब इसे हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या शो करता है, तो यहाँ पे 1.391 ओम्स शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये चालू है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 1.391 शो कर रहा है, इसका मतलब ये चालू है। अगर ये ज़्यादा शो करता है या यहाँ पे अगर ये बॉडी शॉर्ट हो जाता है, यहाँ पे ये बॉडी शॉर्ट हो जाता तो इसका मतलब ये कि ख़राब है। तो देखिए मैं आपको ख़राब वाला भी चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास में है एक ख़राब वाला, अब इस पे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये ख़राब है। इसमें ना ही कोई कॉन्टिन्यूटी आ रही, ना ही कोई ओम्स शो कर रहा है। अगर बॉडी शॉट चेक करें तो बॉडी शॉट पे भी कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब कि ये पूरी तरह से डेड है, पूरी तरह से ख़राब है। तो ये होता है ख़राब और ये होता है इस तरीके से सही। अब मैं आपको कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक करके दिखाता हूँ। ये है हमारा कॉन्टिन्यूटी टेस्टर। यहाँ पे जब हम इसे इस तरह से लगाएंगे तो आपको इसमें हल्की सी लाइट जलती हुई दिखेगी, देख रहे हो, हल्की सी लाइट जलती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है कि ये चालू है, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है। अगर ये बॉडी शॉट दिखाए
तो इसका मतलब ये है कि ख़राब है। सेम यही चीज़ इसमें हम चेक करेंगे, तो देखिए कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं दिखा रहा है तो ये ख़राब है, क्योंकि ये कोई कॉन्टीन्यूटी ही नहीं दिखा रहा है। अगर इस दोनों तरीक़ों से अगर चेक करके आपको डाउट हो रहा है कि ये सही है या नहीं, हमें अभी भी डाउट है, तो सिंपल और सरल तरीका है इसके ऊपर सीरीज़ की बोर्ड के ज़रिए एसी वोल्टेज दे करके चेक कर लीजिए। मैं सीरीज़ के ज़रिए इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट दे करके चेक करेंगे, अगर ये कहीं से शॉर्ट होगा तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए या ये स्पार्क हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सीरीज़ के ज़रिए आप एसी वोल्टेज दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये है हमारी सीरीज़ बोर्ड की वायर, ये भी सावधानी के साथ में करना है, आपको करंट लग सकता है। ये देखिए मैं जैसे ही टच करूँगा आपको लाइट जलती हुई दिखेगी, देख रहे हो, यह है सीरीज़ बोर्ड। इसके ज़रिए आप यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई दे करके चेक कर सकते हो। देखिए आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि ये चालू है, चल रहा है ये। और यही चीज़ अगर मैं इसमें चेक करूँगा तो देखिए कुछ भी नहीं आवाज़ आएगी, देख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि ये ख़राब है और ये चालू है। अब इससे बिल्कुल आसान और सरल तरीका कि आपको कैसे पता चले कि एसवी वॉल ही ख़राब है या पीसीबी बोर्ड ख़राब है, सिंपल तरीका है, ये जो दो वायरें लगी हुई हैं एसवी वॉल के ऊपर, इसके ऊपर आपको एसी वोल्टेज चेक कर लेने हैं। एसी वोल्टेज अगर इसमें आ रहे हैं, इन दोनों वायरों में अगर एसी वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सप्लाई तो प्रॉपर आ रही है। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सप्लाई प्रॉपर आ रही है, एसवी वॉल आपका ख़राब है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ना ही आपको कॉन्टीन्यूटी टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मल्टीमीटर से आपको ये ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे 230-240 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं जब आप इसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो सप्लाई है यहाँ से हम स्टार्ट करने पर नहीं आ रही है, तो ये पीसीबी बोर्ड में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो उसे आपको चेक करना है या चेक करवा लेना है किसी पीसीबी बोर्ड रिपेयर करने वाले से। बाकी की डिटेल, इसे किस तरह से चेक करना है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। बिल्कुल 3 से 4 ऑप्शन मैंने बताए इसे चेक करने के, बिल्कुल सरल और सिंपल तरीका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इसे चेक करने का, एसवी वॉल को चेक करने का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। उन सब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 से 4 आसान तरीके बताए हैं और यही तरीका है एसवी वॉल को चेक करने का। हम आने वाले कई वीडियो में इस पीसीबी बोर्ड के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि पीसीबी बोर्ड में बेसिक चीज़ें जो है क्या क्या ख़राब होती है और क्या क्या समस्याएं आती है पीसीबी बोर्ड में, वो सारी चीज़ें हम आने वाले कई वीडियो में जानेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और साथ ही दबाइए घंटी का बटन, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप वीडियो देख सको सबसे पहले। और ये एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है, और ये बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।